हेलो एवरीवन, परफेक्ट प्लेट बाय रूबी में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मशरूम सूप, बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से। मशरूम में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करता है। तो अगर आप मशरूम सूप पीना पसंद नहीं करते हो तो एक बार इस स्टाइल में बनाना, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 100 ग्राम मशरूम, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले मशरूम को अच्छी तरह से धोकर इसे काट लेना है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हो, बस थोड़े पतले कटने चाहिए, लेकिन इस तरह का राउंड शेप में काटने से अच्छा दिखता है। मशरूम काट लिया है मैंने, अब टमाटो प्यूरी बनानी है। तो टमाटर की बिल्कुल फाइन प्यूरी बनानी है, देखिए इस तरह से। और अब एक पैन गर्म करके इसमें 1/2 टेबल स्पून बटर डालना है और बारीक कटे लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई करने के लिए भी बहुत ही कम बटर का इस्तेमाल किया है। ये सूप वेट लॉस करने वालों के लिए परफेक्ट है। तो अब लहसुन और हरी मिर्च अच्छी तरह से फ्राई हो गया, और अब इसमें मशरूम डाल देती हूँ और नमक डालकर बस एक बार ऐसे ही सौते कर लेना है। और इसमें लगभग 250 ml तक पानी डालना है, क्योंकि इसे लगभग 10 मिनट तक बॉईल करना होता है। अगर कोई हरी सब्जी का सूप बना रहे हो आप, तो उसे 5 मिनट तक भी बॉईल करोगे तो वो अच्छी तरह से पक जाएगा, लेकिन मशरूम को अधपका नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए इसे 10 मिनट तक बॉईल करना होता है। तो पानी डाल दिया है मैंने, और अब टमाटो प्यूरी भी अभी ही डालने हैं। तो ये देखिए, टमाटो प्यूरी भी डाल दिया है मैंने, और अब फ्लेम हाई करके इसे उबालना है। और जब अच्छी तरह से उबलने लगे तो फ्लेम लो करके ढक कर इसे 10 मिनट तक बॉईल करना है। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद सूप तैयार है। तो इसे मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, मशरूम पका है या नहीं। तो मशरूम अच्छी तरह से पक गया है। टमाटो प्यूरी की वजह से इसका टेस्ट तो इंक्रीज हुआ ही, साथ ही इसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी भी आई है और कलर भी अच्छा आया है। अगर आप इसे थोड़ा और गाढ़ा करना चाहते हो तो थोड़ी देर तक और बॉईल कर सकते हो, वैसे ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो डाल देती हूँ। ऑरिगेनो ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। और काली मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाकर गर्मा गर्म सर्व करना है। तो देखा आपने, कितने कम इन्ग्रेडियंट्स में इतना टेस्टी मशरूम सूप तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत टेस्टी है ये। वैसे ही ये बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे स्प्रिंग अनियन या हरे धनिया से गार्निश भी कर सकते हो। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।